हाँ पढ़ रही थी ऐसे हंस हंस कर मुस्कुरा मुस्कुराकर। बता बता कुछ ना। अच्छा तू बता, तू कहाँ से आ रही है? करू, अगर हम बता देंगे ना कि हम कहाँ से आ रहे हैं तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। पिंकी जी ने हमारे लिए कुछ ऐसा किया है ना कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अच्छा तो कहीं सारे बाजार यहाँ वहां चोटी तो ना कर बदमाश कहेगी, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। दी? वैसे तेरे पिंकी जी जो है कमर बड़ा अच्छा मटकाते हैं। मैं पिंकी जी हमारे पिंकी जी ने ना हमारे लिए टाटू बनवाया है। वो बॉडी पे वो गुनवाते हैं ना, बॉडी पे वो नाम गुनवाया हमारा। सच्ची? अरे फिर तो छाती पे टैटू बनाने के लिए छाती के बाहर निकालने पड़े होंगे ना। हाँ अरे नहीं, छाती पर नहीं किया। जी को भी बोलो अपने बॉडी पे ऐसा टैटू बनवा ले, तुम्हारा नाम गुनवा ले। पता है उसी से आजकल प्यार साबित होता है। तेरे जीजा जी बड़े डरपोक हैं। पता है इलायची के पापा जो है खून जांच करवाने में जाते हैं ना तो सुई देख के इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे सामने वाले के हाथ में तलवार रखी हो, सच्ची? और उनके फेफड़ों में इतनी जान ना है कि वो टैटू करवा के। क्या बात कर रही है, मतलब जीजा जी को सबसे ज्यादा इस दुनिया में सुई से डर लगता है। सबसे ज्यादा वो अपनी साली से डरते हैं। मेरी बहन है ना अरुणा, उससे। क्यों क्यों? क्यों क्या? इलायची के पापा है ना अरुणा से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं। जब भी वो आती है ना तो खूब घुल मिल के उसके साथ मजाक करते हैं।